मैंने देखा है कि अक्सर जैसे कि आप जो ये धर्म ग्रंथ हैं, सनातन धर्म के चाहे जो भी हिंदू धर्म ग्रंथ है, इसके बारे में ही आप बताते हैं कि इसमें ये कमियां हैं, ये बुराइयां हैं, ये गलतियां हैं, वही चीज़ें आप ज़्यादातर आपके 90% वीडियो में वही है, शीर्षक भी वही है लोगों में तो मतलब वही समझ गया आपका पर्पज क्या है, आपका पर्प आप धर्म के खिलाफ हो, सनातन धर्म के खिलाफ हो, या धर्म में उपस्थित बुराइयों के खिलाफ हो, क्या नहीं, पर्पज है आपका? आप धर्म को मानते हैं अजय सिंह जी? कौन से धर्म को मानते हैं? मैं अभी तो नाम से ऐसे पता होगा कि मैं हिंदू ही तो हूँ हिंदू हैं तो कौन से वर्ण में आते हैं आप? कौन सी जात वर्ण में आते हैं? जात लिखा है, सिंह है, ठाकुर। अच्छा, ठाकुर में आते हैं। अच्छा, आपके घर के आसपास झाड़ू लगाने कौन सी जात के लोग आते हैं? देखिए, जो भी झाड़ू लगाने आता है मैं उसे उसका जाति तो नहीं पूछ सकता, नहीं, हाँ वो सबको अपना पता काम कर होती है। रहा है। नहीं, इस भारत में सबको पता है कौन सी जाति के लोग नाली साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पता है कि नहीं आपको? ठाकुर देखिए ऐसा है कि लगाते हैं क्या कोई ना सड़क पे? तो ऐसा तो मतलब मैंने तो नहीं देखा है अपने आसपास ऐसे नहीं कहीं। कह रहे, ब्राह्मण देखे कभी आपने झाड़ू नाली नाली साफ करते हुए, पॉटी साफ करते हुए नालियों में से? नहीं, जैसे मतलब कौन ब्राह्मणों सी में तो जाति नहीं के देखे, जाते? ज्यादातर तो जैसे ये हरिजन वगैरह लोग हो गए हैं या फिर कौन जिन्हीं लोग होते हैं करते हरिजन? हैं, नहीं, हरिजन कौन होते हैं ये? हरिजन यही SC ST में आते हैं लोग, SC ST में क्यों आते हैं ये लोग, आपको पता है, कुछ अंदाजा है? इनका मतलब जैसे पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं या फिर इसी वजह से तो आते हैं अच्छा, आर्थिक रूप से उनको। पिछड़े हाँ, हैं ये लोग। जैसे इन्हें कि नीच, इसीलिए नहीं, इन्हें नीच जात का किसने इसीलिए बनाया? नहीं, कौन से धर्म ने इन्हें निम्न जाति का बना दिया? और आपको ठाकुर किसने बना दिया? देखिए ऐसा है कि किसी को किसी ने बनाया नहीं है, ठीक है, अच्छा ये अच्छा बनाया टाइटल नहीं है, अपने आप टाइटल हो गए, टाइटल अपने आप बन गए। टाइटल अच्छा, मतलब आप मिला अपने है। आप ठाकुर बन गए और वो नाली नाली उन्होंने अपने खुद देखिए स्वीकार लिया नाली साफ करना, क्यों? टाइटल तो मिला है कर्मों के अनुसार से, शुरू से ही, अब फिर उसके बाद जन्मों के हिसाब से नहीं, तो होने आपके लगा। कौन से कर्म थे? नहीं, कौन से अच्छे कर्म थे जो आप ठाकुर मेरे बन गए? कर्म थे नहीं थे, ठीक है, जैसे मेरे बाप दादा या पूर्वजों को जो बाप कर्म दादा रहे के कौन होंगे से अच्छे छत्री कर्म वाले। थे ये? कौन से छत्री देखिए वाले कर्म क्या होते हैं, बताएं? छत्री वाले कर्म जो सुरक्षा करता है, जैसे मेरा कोई राज्य है, ठीक है, मैं अपने राज्य की सुरक्षा कर रहा हूँ तो कहाँ छत्री कर में ही पाए आता सुरक्षा? हूँ। था मुगलों ने शासन किया, हाँ, अंग्रेजों ने शासन किया, आप छतरी लोग तो फेल थे, फिर आप ऊंचे कैसे हो गए? नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है, आपका आप अपने कर्म सिर्फ कर्मों में ये नीच है। हो गए ना, आपको नीच होना चाहिए था। देखिए मेरी बात, देखिए सुरक्षा का कर्म काम होता है सुरक्षा देना, ठीक है, वो सुरक्षा हो कहाँ पाया ना सुरक्षा हो दे पाया पाए? तो उससे आप दे मतलब रहे, नहीं है। नहीं तो नहीं दे पाए ना, फेल हो गए ना, फिर भी आप ठाकुर क्यों देखिए हैं? जब फेल हो गए अपने कर्मों में तो ये आपके तर्क कर्म ही तो नहीं सिद्ध है, होने चाहिए। हमारा हमारा कर्तव्य है कि हम सुरक्षा दें, वो अरे तो सुरक्षा आप अपने हुआ या कर्मों नहीं में हुआ बिल्कुल, इससे आपने मतलब कहा नहीं कर्म है। के हिसाब से, पहले अब जन्म से हो गई, तो मैंने कहा आप लोग ठाकुर लोग फेल हो गए अपने कर्म करने में, देश को सुरक्षित नहीं कर पाए, तो अब आप नीच बनिए ना, छोड़िए अपनी देखिए जात। अगर देश सुरक्षित नहीं होता तो देश में 80% आपने हिंदू थोड़ी नहीं कर होते, दिया सुरक्षित देश, मुगलों ने 1000 साल शासन किया, क्या हुआ था ठाकुरों का? एक अंग्रेजों हजार ने साल 200 साल तक शासन किया, तब क्या कर लिया था? 1000 साल मुगल शासन किए, लेकिन फिर भी देश में 80% हिंदू हैं। और सुनिए, और अरे तो किसी भी हिंदू है तो राष्ट्र में उसमें अगर आपके घर इजिप्ट कौन गए, हिंदू? नहीं, सुनिए, नहीं नहीं एक मिनट एक मिनट, कौन हिंदू है जो झाड़ू लगाता है? वो हिंदू है आपके घर के सामने, नाली साफ करता है, बगीचा हिंदू जो मारता है है? 1930 के बाद बने ना मॉरल टीचर जी, हिंदू शब्द तो नहीं बहुत नहीं नया एक है। मिनट एक मिनट जी, ये क्या नहीं है, ये हिंदू जानना चाह मैं रहे हैं हम शब्द करते की क्या बात है? नहीं तो करूं, मैं इन्हें वहां तक लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा ये समझ नहीं क्या पा रहे सामाजिक न्याय, क्योंकि खुद को ठाकुर मान रहे हैं ना, तो इन्हें पता नहीं सामाजिक न्याय क्या होता है, जातिवाद क्या होता है, फिर जातिवाद धर्म से कैसे निकला है, और धर्म ने ही इन्हें ठाकुर बनाया और दूसरे लोगों को झाड़ू साफ करने वाला नीच बना दिया। जी अजय सिंह जी, अब समझ में आया हम लोग क्या कर रहे देखिए, हैं? आ अच्छा मुझे, हाँ मैं समझ रहा हूँ, गया समझ में? सामाजिक मूलतः न्याय समझते हम हैं क्या होता है? डॉक्टर हाँ समझते हैं। देखिए मूलतः आप अम्बेडकर लोग साहब का का यही नाम है सुना ना, है, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम? क्या हाँ किया था उन्होंने, जानते हैं कुछ? हाँ जी बहुत कुछ जानते हैं, मूलतः अब उनको बताएं ना। संविधान निर्माण के लिए जाना जाता है। अच्छा, संविधान निर्माण के लिए? फिर अच्छा, जातिवाद विरोधी आंदोलन किसने किए थे भारत में? जी उन्होंने ही किए थे तो संविधान निर्माण में उनकी एंट्री भूमिका आंदोलन यही किया तो। था उन्होंने, पता नहीं, उन्होंने एक मंदिर एंट्री आंदोलन किया था, वो पता है आपको? क्या मंदिर एंट्री आंदोलन किया था, मंदिर में नहीं पशु उस शूद्र मामले बन में गया नहीं, था। देखिए नहीं, जितने भी उस लोग, शूद्रों को मंदिर में नहीं जाने देते थे, अभी कुछ समय पहले डॉक्टर बाबा साहब ने मंदिरों में जाने की अनुमति दिलवाई, ये पता है कि नहीं आपको? नहीं इस मामले में मुझे जानकारी अच्छा, ये नहीं नहीं है, पता आपको, क्योंकि मंदिरों में देवदासियां रखते थे, फिर उनके साथ बलात्कार करते थे ब्राह्मण ठाकुर मिलके, ये पता है कि नहीं? नहीं ये सब तो हम हमारे अच्छा, समाज ये चलन में नहीं रहा है। त्रिवणकोर में आपको नहीं पता कि त्रिवणकोर दक्षिण भारत में महिलाओं को हाँ मंदिर में जाने से पहले अपने स्तन खुले रखने पड़ते थे, ये पता है कि नहीं?
और मॉरल टीचर जी ठाकुर खुद को कह रहे हैं इवन राजपूत की जो वाइफ्स होती थी उनको भी पहली की जो वाइफ्स को ब्राह्मण के साथ रहना पड़ता था, हाँ, ये ये भी पता है कि प्रथा नहीं थी। आपको, राजाओं की हिस्ट्री ठाकुरों की औरतें महिलाओं ब्राह्मणों के साथ सोना नहीं, पड़ता था, मेरी ऐसा बात विवेकानंद सुनिए, ने, तो नहीं, ये विवेकानंद ने लिखा है बेटा, विवेकानंद ने लिखा है कि हिस्ट्री में क्या राजाओं की हुआ औरतें है, भी ब्राह्मणों के साथ सोने के लिए खुशी मनाती हैं। देखिए हिस्ट्री में क्या हुआ है इससे ज्यादा जरूरी ये है कि वर्तमान में क्या हो रहा है, अमल क्या किया हाँ जा रहा बिल्कुल है। सही है अजीत सिंह जी, अब आए आप पॉइंट पे, यही तो बात है हिस्ट्री में कि क्या वर्तमान हुआ में ये है इससे हो रहा है मतलब कि नहीं, आप जैसे वर्तमान लोग में आज क्या भी अमल जन्म किया के जा रहा है। आधार पे ठाकुर बन के बैठे हो, और आज भी इतिहास में नहीं ये निम्न जाति के बताइए, लोग नाली साफ कर रहे हैं, ये हो रहा है आज इतिहास के नाम पे, मेरी बात आज भी देखिए, कोई अच्छा मुर्गी मुझे है, कोई बताइए, चमार है, कोई और कोई भी अगर ठाकुर बन के आप ना जैसा कोई भाड़ रहा है, हरम खा रहा है, ये हो रहा है आज के समाज में, कोई मंदिरों में बैठ मुझे के मूर्ति रख के जनता को उल्लू बना रहा है विज्ञान के युग में और करोड़ों रुपए समेट रहा है, कोई ठाकुर बन के जमीनों पे परंपरागत कब्जा करके बैठा हुआ है, बाप दादाओं की ऐश कर रहा है, दारू पी रहा है, बुलेट दौड़ा रहा है और सत्ता की देखिए मलाई खा रहा है, ये हो रहा है आज की डेट में, शूद्र आज भी वही है जहाँ 5,000 साल पहले, 2,000 साल पहले होते, 1,000 साल पहले, समझ नहीं में आया, ऐसा, मैं आज ऐसा भी नहीं निम्न जाति मानता। की महिलाओं के बलात्कार ठाकुर लोग कर रहे हैं, मनीषा वाल्मीकि का नाम सुना है, हाथरस केस, ठाकुरों ने पंचायत बुलाई थी आपकी 80 गांव की, मैंने मैंने उसका सुप्रीम कोर्ट का बयान देखा, बताया गया वो हाँ मतलब कि वो फर्जी था, सुप्रीम कोर्ट ने हाँ उस जी पर फर्जी तो था, पर गलत सजा बता कैसे दिया दे, ना। सुप्रीम कोर्ट कहाँ आ गया भैया, अभी तो निचले न्यायालय से सजा हुई है एक ठाकुर के लड़के को, 4 में से 1 को, महिला मनीषा वाल्मीकि है मैंने जिसने न्यायालय की पटना सजा कोर्ट सुनी, में लगाई, न्यायालय हाँ हाँ सुप्रीम कोर्ट अभी गया ही नहीं है केस, क्या बात कर रहे हो, कुछ विकल्प विकल्प नहीं, दे रहे हो, ये राजस्थानी जो न्यायालय है वही बता रहा हूँ, यूपी का हाईकोर्ट इलाहाबाद का। अच्छा मैं हाँ इनसे यूपी एक के चीज हाईकोर्ट नहीं गया अभी थोड़ा तक, चाह रहा हूँ निचले न्यायालय यार, से आया हुआ है, यूपी हाईकोर्ट गया ही नहीं है केस अभी, अभी निचले न्यायालय से सजा हुई है, 4 ठाकुर लड़कों में से 1 को सजा हो गई है, 3 बच गए, गवाहों के अभाव अजय में, सिंह हाँ जी बोलिए आपके हिसाब पूछिए। से देश में जातिवाद होता है? देखिए इसको नकारा नहीं जा सकता, होता है लेकिन हाँ वैसे नहीं होता था, 90% खत्म हो चुका है। अच्छा, मान लो जिसके साथ जातिवाद होता है हाँ उसको कैसा लगता होगा? देखिए मैं इस बात को पूरी तरह एक्सेप्ट करता हूँ कि बुरा जातिवाद लगता होगा के ना, नाम पर जो सुनो शोषण किया तो गया है गलत है, गलत है, और जिसके साथ होता है उसको बुरा भी लगता होगा, बिल्कुल मैं रहूंगा, मुझे भी बुरा लगेगा, है ना? हाँ और तुम जिस मैं किताब में लिखा है कि ये जातिवाद होना, मतलब ये जातिवाद होना चाहिए, तो वो किताब भी बुरी होनी चाहिए शायद। उस कॉन्सेप्ट को नहीं मानता, मैं उसको डिनाई करता हूँ जो जातिवाद को बढ़ावा देती है पूरी जो बढ़ावा देती तरह। है। आजाद मेरा देखिए स्क्रीन क्या शेयर है ना, करो तो यार, जरा मैंने इनके साथ एक पहले जातिवाद करता हूं मैं। ये सुनिए, मैंने पहले ही बोला कि मैं नहीं मत वर्तमान की सुनाइए, बात अभी कर रहा अभी हूँ, अभी आपका पहले क्या देखते है हैं अभी इसमें, क्या अरे होता है, एक मिनट देखते हैं रुको। अभी आपको वर्तमान मॉरल टीचर जातिवाद भी सर बताएंगे, एकदम अभी रुक जाओ 2 मिनट, सही जरा ये सही सर को सवाल देखिए, आपसे वो पूछ रहे थे ना, ये मनुस्मृति का दूसरा अध्याय है। 10 वर्ष के ब्राह्मण को 100 वर्ष का क्षत्रिय पिता माने और अपने को पुत्र माने, ठीक है? हाँ बोली सुन बामन रहे, आपका बाप है, आपका बाप हूं मैं तो मैं कह आपका तो रहा ना, हूँ कि सुन इसको लो मेरा डिनाई किया सरनेम को जाए। पढ़ो, देखिए पहली बात तो अगर मैं सवाल आपका उठा दूँ बाप इसी हूं पे, मैं। मेरी रुक बात जाओ सुनिए पहले, आप, रुको रुको। और दूसरी बात है, महाभारत में ये क्यों ऐसा लिखा हुआ है पता है आपको? बताइए परशुराम ने 21 बार छत्री विहीन कर दी पृथ्वी को, तो बोलिए, वो जो छत्राणियां है ना वो ब्राह्मणों हाँ के पास गई अपने नियोग कराई, तो मैं आपका ना नियोग पिता भी हूं, कैसा लग रहा है आपको? ये तो देखिए क्या नाम है, यही आप दो आप दोहरा दोहरा चित्र मत रखिए, पहला तो या तो आप चित्र नहीं रख कहिए, रहा हूं मैं, आपको ये दिखा रहा हूं कि आप लोग अपने आप को ठाकुर बामहन ये सब जो बताते हो और दूसरों के साथ जब जातिवाद करते हो ना, तो उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। अभी मैं जरा सा पूंछ पे पांव रखा हूं तो दोहरा चरित्र मेरे को बोल रहे हो, मैं तेरा बाप हूं भाई, अपने बाप से मेरी कोई बात ऐसे बात सुनिए, करता है? अपने नहीं बाप से कोई ऐसे बात करता है? मैं इतना शांतिप्रिय तरीके से बात कर रहा हूं और नहीं आप तो तुम मेरे बेटे हाइपर हो ना, हो रहे हैं, करना पड़ेगा यही काम तो तुमने इस देश की एक बड़ी आबादी के साथ किया ना, उनकी औरतों को अपना स्तन ढकने का पैसा वसूले हो यार, छोड़ो बाकी काम मूला कर्म के नाम से, अच्छा तुमको पता है तो कुछ? मुझे मुझे ये तुम्हारे बताइए घर के बाहर में जो अभी मॉरल टीचर सर एक सवाल पूछे, हे से नहीं होगा, अपने बाप के सामने तो थोड़ा तमीज से रहो। तुम्हारे घर के बाहर जो नाली है उसमें झाड़ू लगाने के लिए जो आता है
उसको बोल रहे हो कि वो गरीब है, वो आर्थिक रूप से है, वो SC ST लोग हरिजन होते हैं, वो SC ST होते हैं, SC ST को एक साथ मिला दिए, वो गरीब है इसलिए मार रहे झाड़ू। तुम्हारा जो सड़ा गला ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म जिसको कहते हो ना, वो करवा रहे हैं उनसे ही काम। और जब उसी हिंदू धर्म के चलते मैं तुमको जातिवाद दिखा रहा हूं ना, तो तुमको लग रही है चिड़े कर रहे हो, बाप के सामने ऐसे किया जाता है? हाँ, अगर हिंदू धर्म को मानना है ना तो पूरा मानो, तो पूरा मानोगे तो मैं तेरा बाप हूं भाई। मैं बोलू बोलू मैं बोलो ना। हाँ हाँ भाई बोलो। देखिए ऐसा है, पहली बात कि आप पूरा बात बोलिए, मैं भी पूरी बात, मुझे भी पूरी बात बोलने दीजिए, आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, मेरी पूरी बात सुन नहीं रहे हैं। मेरे को ना देखो, आपकी सिलेक्टिव बात नहीं सुननी। अगर अपने आप को क्षत्रिय मानोगे, सही तरीका एकदम, मैं आपकी दुर्बलता को प्रकट करता है, ये आपकी जो मूर्खता है ना उसको प्रकट कर रहा है कि आप ना सिलेक्टिव हो रहे हो कि मैं अपने हिंदू धर्म को तो बचाऊंगा लेकिन ना ना ना, मैं अपने हिंदू धर्म को तो बचाऊंगा लेकिन जो जातिवाद उसमें है ना उसके बारे में बात नहीं करूंगा, मैं बोल दूंगा कि भाई वो तो पुरानी बात है। तो हिंदू धर्म के हिसाब से मैं तुम्हारा बाप हूं यार, यहां से बात चालू करोगे? हूं कि नहीं पहले बताओ ना। ठीक है, अगर देखिए थोड़ा सा अगर आप अग्रेसिव डिबेट करना चाहते हैं, मैं तो अग्रेसिव हो ही नहीं ना। ना ना वो नहीं कर सकते, आवाज से लग रहा है पकड़ लूंगा। नहीं आप नहीं नहीं सरवाइव कर पाएंगे, बात मानिए। अरे भाई ए भाई ए ठाकुर, मेरी नियोग औलाद तू छोड़ भाई, तेरे जैसे तीन को रोज खा जाता हूं मैं, आगे बता। नहीं सरवाइव कर पाएंगे। अरे यार सुन ना भाई, तू धमकी मत दे मेरे को, तू ये बता तू अपने बाप से ऐसे बात कर रहा है? मैं कह तो रहा हूं, मैं शांतिपूर्ण तरीके से डिबेट करना चाहता हूं। शांतिपूर्वक तरीके से मेरे को बता दो, तुम्हारे हिंदू धर्म में लिखा है कि मैं तुम्हारा बाप हूं, मानते हो? मैं बोलूं? बीच में रोकिएगा मत। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिएगा, अभी अपनी बात पूरी देर में बात पूरी कर लेते। मैं दो घंटे से मैं बोलू कर रहा हूं, मैं बोलू कर रहा, बीच में टोकना भाई मत। अरे दो घंटा, अरे बोल दे भाई। मैंने क्यों कहा आपको कि आपका दोहरा चरित्र है, इसलिए क्योंकि आप बैठ के यहाँ पर जातिवाद जातिवाद भगाओ का नारा दे रहे हो और खुद के नाम के पीछे तिवारी टाइटल लगाओ। क्यों? बिल्कुल इसीलिए लगाया हूँ, एग्जैक्टली सही पकड़े। दोहरा चरित्र दिखाता है। अब रुको ना, रुकना हो गया। अब मैं बता रहा हूँ, ये तिवारी ही इसीलिए लगा है कि तुम्हारे जैसे जब आए ना चूतिये टुन्नी, ठीक है, तो तुमको मैं अपना बामन पना दिखाऊं और तुमको बताऊं कि अगर हिंदू धर्म को मानोगे तो बापू फिर तुम्हारा। दूसरी बात, ये तिवारी को ब्राह्मण तो तुम बनाए ना, ये सड़े गले सरनेम तो तुम ही लोग पैदा किए हो ना, तुम ही ब्राह्मण लोग भाई, तिवारी मिश्रा ठाकुर। अरे सुधर तो ले भाई, सुन तो। अरे मैं तुमको सुधारना चाहता हूँ ना, मैं तुमको भी तो सुधारूंगा। मैं इतना शांति से पहले बोला, अरे तो तुमको नहीं सुधारू, मैंने तुम्हारे साथ नहीं करूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं करूं। तुमने एक मिनट रुक जा, तुमने लोगों को घोड़ी चढ़ने के लिए मारा है भाई, और एक तिवारी जब तुमको बोल रहा है कि मैं तेरा बाप हूं तेरे धर्म के हिसाब से, तो तू मेरे को बोल रहा है कि तू सक नहीं पाएगा? नहीं हा? मैं वो नहीं कर रहा हूं। अरे आपने सुने नहीं, मैं क्या, आपने कहा कि मैं तुम्हारा वो कर दूंगा, ठीक है, तो मैं कहा आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सर्वाइव करना अलग चीज है, कहां से सर्वाइव करना है? बहस में ये बता देना, सामने रेफरेंस खोला हूं मैं, इसमें बता दे भाई कि मैं तो बाप हूं तेरा। सुनिए, जब ऐसे ही रेफरेंस दिखाना होगा ना, तो मैं बहुत ही अच्छा एडिटर हूं, मैं इतना अच्छा एडिट कर दूंगा। दिखाओ 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 दिखाओ, ये एडिट है, ये एडिट है, ठीक है। ये देखो ये देखो गधे को, ये मनुस्मृति है, गिरजा प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी हुई, ट्रांसलेटेड है भाई, ये कहां ये पड़ा हुआ है यार? हाँ ठीक है, मेरी बात सुनिए। अब ऐसा है कि जो मनुस्मृति है, ये जो है विक्षिप्त मनुस्मृति है, ठीक है। कौन विक्षिप्त किया इसमें? अच्छा देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत के बाहरी आक्रमणकारी रहे हैं, ठीक है, तो हमारे धर्म ग्रंथ में मिलावट किया गया है, इसीलिए आप ये सब दिखा रहे हैं। कौन थे वो मिलावटी, कौन थे जिन्होंने यहाँ के मंदिरों को तोड़ा? कौन? मुसलमान? भारत पर विदेशी आक्रमणकारी कौन? अरे एक मिनट, ये मिलावट किसने किया है बताओ? ये जो विदेशी आक्रमण करे थे, जिन्होंने भारत में हमला किया, कौन था? मुगल थे। मुगल के पहले कौन आया था?
मुगल के पहले तो कोई नहीं आया था, सबसे पहले तो कोई यही नहीं सब आया आए था। थे। देख कितना यही है अकल सबसे तुम्हारी, पहला सुनिए, सबसे पहला यही मोहम्मद मतलब बिन ये। कासिम आया था अच्छा 712 कौन ईस्वी, से ठीक है, सात सौ ईस्वी बारह में? हाँ मुगल था, तीर ठीक है। अरे मुगल मुगल था नहीं था, वो। वो ही मुस्लिम ही था, तो सब मुल्ले ही तो थे। अच्छा, हाँ तो जैसे तुम वो, ठकुरे हो अच्छा तो सब। वो लोग आए और एक संस्कृत सीख के आए और उनको लगा यार ये ब्राह्मणों का एक धर्म है उसमें लिख लेते हैं चलो हम, कि ब्राह्मण ना जो क्षत्रिय है वो ब्राह्मण को अपना बाप बताएगा। ये उन्होंने मिलावट करी है मुसलमानों ने ये सीख के संस्कृत को। आपने ये आकर लेवल सुनिए डिबेट का, मेरी बात, ये सुनिए डिबेट का लेवल है, मेरी स्तर बात है। सुनिए। आप 10 साल अगर कोई किसी के साथ रह जाता है तो उसकी भाषा शैली सब कुछ सीख जाता है, अरे ठीक है, वो कुछ भाई भी तो कर ये सकता है। कौन सा मिलावट करेगा कि एक क्षत्रिय 10 साल के ब्राह्मण को अपना बाप बोलेगा, ये जो मुसलमान है ये वो उसी सीखेगा तरह और ये मिलावट करेगा। है, ये उसी तरह हाँ मिलावट है जैसे पेरियार ने रामायण लिख दी, ठीक है, अपने से। तो अब आपका वो उसका अरे सब रेफरेंस ठीक है ना, दोगे? उसको क्या फायदा हुआ, बेवकूफ नहीं नहीं आदमी, एक मुगल मिनट को क्या सर फायदा वहां तक हुआ अपन ब्राह्मण को जाएंगे बड़ा ही बना नहीं। के? चलो अच्छा ये बताओ अरे अगर ये यार मिलावट है तो ये छपती क्यों है? देखिए, छपने को सब कुछ छपेगा, ठीक है, तो क्यों तुम हर लोग क्या बुक कर रहे हो छिपेगा। यार, मतलब आप नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता कि तुम लोग का धर्म ही पूरा मिलावट है, मिलावटी टाइप का धर्म है? देखिए, हमने किसी के ऊपर तलवार रखकर जबरदस्ती नहीं किया कि हमारे धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते। अब लोग स्वतंत्र हैं, तुमने अपने किया विचार है, रख सकते हैं, एक लोग मिनट, स्वतंत्र तुमने हैं। किया है, तुमने देश की एक बड़ी आबादी के साथ में किया है, उनको कुचला है अच्छा मुझे तुमने। ये हाँ बताइए, ठीक है, आप इसे पर्सनल मेरे पर प्रतिघात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए, मैं पर्सनल नहीं कर रहा हूं भाई, अगर जिस दिन अपना मैंने जाति मेरी छोड़ेगा ना तो उस दिन अलग बात ढंग से बात सुनिए। करूंगा ना, ठाकुर बन के आएगा तो मैं तो बाप बनूंगा। नहीं, मेरी बात सुनिए, मुझे थोड़ी पता है। पहले मैंने आए जब मैंने आया तभी मैंने कहा, देखिए मैं न्यूट्रल हूँ, मैं कुछ प्रश्नों का न्यूट्रल उत्तर आपसे कहाँ जानना हो चाहता यार, हूँ। आप न्यूट्रल नहीं हो आप मैंने ना। सबसे मैंने पूछा कि आपको, आप लोग का मकसद क्या है, तो आप लोग मुझसे मकसद उल्टा सवाल कर रहे हैं। ये है, मकसद ये है कि हाँ हमको हमको हाँ बात करनी इंसानियत पे, सुनते जाओ। तो इंसानियत हाँ पे ठीक बात है। करने के लिए जो धर्म है, जो जाति है, जहां से आपका धर्म से निकलती जो जातियां, ठीक है, ये उसका उसके बीच में रुकावट है, तो ये मकसद है, इंसानियत अच्छा की बात यही करनी मकसद। है। तो भाई जी, जो अभी सब ये अभी 2 लाइन में बता दिए हैं उत्तर, वही अगर पहले बताते हैं तो क्या दिक्कत हाँ रहता। आपने उनसे पूछ लगा कि तुम्हारे ना यहाँ ना, एक कौन मिनट नाली एक साफ मिनट करती है, ये सुनो सब सुनो, एक मिनट बेवकूफी वाली भाई बात। सुनो सुनो सुनो। अब जब इंसानियत की बात आ गई, ठीक है, तो तुम अपने हाँ आप को बोल दिया कि मैं ठाकुर हूं, हाँ तो कोई है तुम्हारी तो आप नजर में तिवारी दलित? क्यों लगाए हो, आप तिवारी क्यों तुम्हारे लगाए लिए हो पहले? लगाया हूं ना, अरे तो तुम्हारे मैं भी लिए तुम्हारे लगाया लिए हूं लगा मैं रहा तो। हूँ कि मैं बता अच्छा सकूँ मैं हिंदू हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, तो तुम ये चाह रहे थे कि तुम मेरे बेटे बनवा के इसलिए लगाए हो, नहीं, स्क्रिप्चर में कुछ लिखने से कोई नहीं होता यार, उस पर मतलब अमल करने का मतलब होता तुम है। कुल मिला के चाह रहे थे कि अमित तिवारी को अपना बाप बना लेता हूं मैं, ये नहीं आज समझ, इसका आप लोग लौंडा बन सही में जाता हूं मैं। बेवकूफ हैं क्या आप लोग? यार आप मूर्ख इंसान हो यार, एक नंबर के, यार आपके मतलब मुझे स्तर ही बताओ, नहीं दिख रहे मेरे किसी को, ठीक किताब पे, है, किसी किताब में कुछ किसी भी लिखने किताब से में आप तुम हो किताबों जाएगा। को, अरे हाँ तो तुम यार ठाकुर तो कैसे हो गए, ये तुम ठाकुर हद कैसे हो तो गए, इस तुम किताब में ही कहां तो से हुआ लिखा है भाई तुम क्षत्रिय ठाकुर, हो, तुम्हारे तुम क्षत्रिय पिछवाड़े कैसे में हो गए, फिर टेटू था बताओ। क्या? जब अच्छा पैदा हुए थे मुझे, तो टेटू चलिए था क्या? ठीक है, आप ठीक है कि किसी यार धर्मग्रंथ को ठीक है कर दिखाइए रहे हो यार, ठाकुर कुछ को, ठीक नहीं है, तुम क्षत्रिय क्या कैसे हो गए इसके किताब को किसी हटा जाति दे को तो। दिखाइए, जातियों को किस दिखाओ, जाति कितने का जाति, दिखाई? कितने जातियों का वर्णन है? अरे किस बात का किसमें? वर्णन है, मुद्दा तो बताओ, अरे छोटी सी धर्म ग्रंथ छोड़ में कहाँ आपने अगर। कहा कि जाति में दिया है, अच्छा चलो ये बताओ, हाँ जातिवाद खत्म हो गया कि बचा है? मैंने कहा कि देखिए अब तो नहीं रहा है, 90% नहीं खत्म रहा हो चुका है, है दस क्यों, कहीं जातिवाद कहीं खत्म है, हो दस गया परसेंट तुम्हारे घर में दस कितनी परसेंट है नहीं, तुम्हारे घर में कितनी बहू है आ गई निम्न जाति की, SC ST हाँ बता दो भाई, की? यही तो बता दो, तुम्हारी जाति बहन कितनों को भी आ गई खत्म SC ST को? कर, ये सही नहीं है, तुम्हारे आप ऐसे पिताजी ने कहाँ पर्सनल शादी नहीं की कर थी, चलो सकते, बताओ, आप तुम्हारे पिताजी ने पर्सनल कितनी नहीं कह जातों में शादी सकते। की? अरे पर्सनली देखिए करेंगे, पर्सनली करेंगे, क्योंकि तुम जातिवादी हो, देखिए मैं तुम आपसे जैसे लोग ही कुछ जातिवाद फैला रहे हो। जानकारी जानकारी लेने के लिए आया था, मैंने कभी भी नहीं, जातिवाद का जानकारी हमने दे समर्थन दी नहीं तुम्हें किया। कि हम यहाँ पे, सुनिए सुन लीजिए, सुनो सुनो, आप आपने 2 मिनट पूछा सुन लो, जातिवाद, मैंने दो कहा मिनट मैं सुन जातिवाद को लो, नहीं बहुत समर्थन बकवास कर ली करता। तुमने, गपड़ गपड़ कर ली बहुत, 2 मिनट सुनो, हम यहाँ पे अम्बेडकर जी राइट अच्छा मूवमेंट चलाते हैं, जातिवाद के विरुद्ध बात करते हैं, और ठीक है जातिवाद ठीक तुम्हारे धर्म से निकलता है, इसलिए धर्म ग्रंथों की भी यहाँ पर है खोल के नाड़ा खोल के ठीक है दिखाते हैं, ठीक है भाई ठीक। और ठीक है, तुम जैसे तो आप जातिवादियों को कष्ट ठीक होता है इस बात को सुन के कि आज भी है जातिवाद तुम फैलाते हो, आज भी तुम्हारे घर के सामने बहुजन वाल्मीकि समाज के लोग ही झाड़ू लगाते हैं, आज भी मोची का काम, चमारी का काम एक खास जाति के लोग ही करते हैं, और तुम जैसे आज भी ठाकुर बन के ऐड करते हो, जो विरासत में जमीनें मिली हैं उस पर ऐश करते हो, ये है हमारी समस्या। अब बोलो, अच्छा ये मुझे, ये आपने मुझे कैसे जज कर दिया कि मैं जातिवाद का आपकी समर्थन बातों से करता कर हूँ? लिया आपने काम ठाकुर है, आपने मैंने कहा हमें पहले पता ही कहा नहीं कि आपके, मैं नहीं, तुमने कहा हमें पता ही नहीं हमारे घर के सामने झाड़ू कौन लगाता है, बोला था कि नहीं?
अच्छा भैया, इतने सीधे हो? आप नहीं, इतने सीधे हो, तुम्हें नहीं आपको पता कि जातिवाद क्या होता है? आपको आपको कैसे पता चलेगा कि आपके घर के सामने कौन क्या काम कर रहा है, उस नहीं किस जाति का नहीं है? तुम्हें ये पता है तुम ठाकुर हो, झाड़ू लगाता है वो कौन सी जात का, ये नहीं पता तुम्हें अच्छा बेटा? बताइए, आपके घर से, ये शब्दों के आपके घर जाल से मुझे बस मत जाती सिखाओ, है, बताइए ठीक उसका है? ड्राइवर कौन रहता है? कौन से बस का ये ड्राइवर कैसा जो बात, झाड़ू ये लगाता है या कैसा बच्चा हो ना? इलॉजिकल बात कर नहीं रहे बस हैं, तुम क्या बात कर रहे हो, बेवकूफी इलॉजिकल वाली क्वेश्चन कॉलेजर है के सामने वो नाली साहब कौन करता है, कौन सी जाति का व्यक्ति? यार, ये क्या कोई बात ले रहे हो कैसे बता यार, उनके पाएगा? नाम इतनी रख बेवकूफों के, जैसी मतलब बात कर उनके रहे हो, काम पे नाली साहब इन्होंने की होने वजह जातियों से के क्या नाम भाग रहे रखे, हो? किसी को चमार बोले हैं, किसी को भंगी बोले हैं, यार क्या आदमी हो यार। हाँ, उनके नाम पे ये उनकी सब जातियां यहाँ पे बना के जातिवाद खत्म उनको, हो गया उनका तो शोषण करके ठाकुर बन बैठे हो जाओगे, यार, नाली साहब की कुछ तरह। तो सोचो भाई। अरे मुझे क्यों हाँ, कह रहे हो भाई, नहीं मैं पता नहीं है तो विश्वास बोल करता, दो, मुझे मेरा नहीं क्यों? पता, मगर मेरी ऐसा बात सुनिए, डीह्यूमनाइज मत आप करो मुझे यार नहीं कह उनको, सकते यार क्या देखो, बात पहली कर रहे हो बात यार। मैं नहीं अजय सिंह, जातिवाद का तुम विरोध जातिवादी करता हो, क्योंकि हूँ, तुमने अब आके कैसे मैं कहा कि बोलूँ? तुम ठाकुर हो, तुम ठाकुर हो, तुम जातिवाद का विरोध मैं करते हो तो ठाकुर आके हूँ कह रहे लेकिन हो मैं मैं इंसान जातिवाद हूँ? नहीं करता। नहीं बिल्कुल करते हो तुम जातिवाद, नहीं तो बताओ तुम्हारी ये बहन भगवान, कितनी ये बुढ़िया थी, कैसी बात। अरे करीब अच्छा कितनी मुझे ये महिलाएं बताइए, आई अभी तक एससी एसटी ओबीसी में? देखिए जातिवाद का अर्थ, जातिवाद खत्म करने का मतलब ये नहीं होता कि हम कहीं और जाके शादी करें, ये शादी अरे उसका बिगड़ रहना रोटी देना बेटी है से कैसे खत्म कर लेगा जातिवाद? बहुत बढ़िया, काम में आ यार। गया एक बात जातिवाद मैं खत्म हो बताऊं, गया जो पैसा आदमी, देने में। वो देख भाई, मतलब अब आपका बोले मूल भाई, उद्देश्य ये है कि सब लोग मैं सभी जातियां खत्म ओ हो भाई आपस में सुन शादी ले करें? सुन ठीक है ले, मैं तुम बता वहां रहा हूं, सब मैं बता बराबर रहा हो, हूं, मेरा एक उद्देश्य मिनट यही है। सर, एक छोटी सी चीज मैं बोल देता हूँ हाँ बताइए। भाई, वो अपने पीछे टैटे बज रहा है भाई, अब म्यूट कर ले। एक छोटी सी बात ये है, जो आदमी यहां पे आके बोलता है ना कि मैं जातिवाद को नहीं मानता, एक लिटमस टेस्ट बता देता हूं ना, अगर वो आदमी जातिवाद को नहीं मानता तो वो अपने हिंदू धर्म ग्रंथों को नहीं मानेगा, वो बोलेगा ये सारे के सारे कचरा है। लेकिन जो आदमी आके ये कहता है कि मैं हिंदू हूं लेकिन मैं जातिवाद को नहीं मानता, वो आदमी प्योरली हिपोक्रिट है, वो दोगला आदमी है, ठीक है? क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों से ही जातियां आती है। आप नाम लो भगवत गीता, वाल्मीकि रामायण, इनके वेद, उपनिषद, ठीक है, इनके जो किताबें आप नाम लो, मैं उसमें से जातिवाद आपको निकाल के दिखा सकता हूं। तो जातिवाद का मूल जो है वो धार्मिक ग्रंथ है। तो जो आदमी जातिवाद को नहीं मानेगा वो दरअसल धार्मिक ग्रंथों को ही नहीं मानेगा, और जो धार्मिक ग्रंथ को मानेगा, जो बोलेगा नहीं मैं भगवान को तो मानता हूं लेकिन जातिवाद को नहीं मानता, वो आदमी दोगला है। जैसे कि कौन? मोहन भागवत। मोहन भागवत ने स्टेटमेंट क्या दिया कि भाई ये जातियां ब्राह्मणों ने बनाई है, भगवान का तो इसमें कोई कसूर नहीं है, भगवान तो अच्छे हैं, ये कहा था मोहन भागवत ने, ठीक है? तो ये बिल्कुल वही वाली बात है। हाँ मॉरल टीचर सर, जी, और अजय सिंह जी ये भी सुन ले हैं, हमने आपको जातिवाद कैसे गेज किया? हमने आपको जातिवाद इस तरह से गेज किया कि आप जातिवादी हो, क्योंकि आपने आते ही साथ ये कहा कि हमने आपकी स्ट्रीम सुनी और हम ये जानना चाहते हैं कि आप यहाँ पे कर क्या रहे हो, आपको दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, क्योंकि आपके धर्म और आपकी जातिवाद के विरुद्ध हम बातें कर रहे हैं, ठीक? इस तरह से हम पकड़ लेते हैं आप जैसे लोगों को कि आप जातिवादी हो, नहीं तो आप आके यहाँ पे नॉर्मल बात करते, कायदे की बात करते और रैशनलिस्ट होते, तार्किक होते, गैर जातिवादी होते तो यहाँ के समर्थन करते हमारे मूवमेंट का कि हाँ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, जातिवाद खत्म कर रहे हैं और अंधविश्वास खत्म कर रहे हैं, ठीक? प्रश्न उठाने वाला व्यक्ति आप जैसा वो जातिवादी ही होगा, धर्मांध होगा, नहीं तो मंदिरों में जाके प्रश्न उठाओ ना, ठाकुर महासभा में जाके बताओ, वो राजपूत और ब्राह्मण परिषदें बनाई है वहां जाके क्वेश्चन उठाओ कि जातिवाद खत्म हो गया तो हर शहर में राजपूत परिषद, ब्राह्मण परिषद, युवा परिषदें क्यों बनी, वहां जाकर क्वेश्चन उठाइए। चलिए सर ले लीजिए। चलिए आजाद, नेक्स्ट टाइम बात करेंगे इनसे, लेट भी हो गया। ले लीजिए, फाइनल कुछ हाँ बोलना चाहते हैं तो ले लीजिए। हाँ ले लो, उनका कंक्लूडिंग रिमार्क ले लो। सही बताएं, देखिए हम हाँ आप लोग के मूवमेंट का समर्थन करते हैं, ठीक है, और हमें बिल्कुल भी आप लोग का विरोध नहीं करना है, आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, मैं इस बात को पूरी तरह एक्सेप्ट करता हूँ कि जातियों की वजह से, ठीक है, निचले लोगों का या फिर किसी का भला नहीं हुआ है, पूरे भारत देश का ही बेड़ा गर्क हुआ है। ये नहीं होना चाहिए था। हमारे कहने का बस सीधा सा अर्थ यह है कि आप पूरे धर्म को नकार रहे हैं या धर्म में उपस्थित बुराइयों को। अच्छा पूरे धर्म को, अजय सिंह भाई देखो, आप ये जी, कह रहे हो कि मैं आपके आपकी इस बात का समर्थन करता हूं कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ आप एक पूरी काम तरह से, कीजिए पूरी तरह से, ठीक है? आप एक हाँ काम करो, आप ईमानदारी के साथ में अपने धार्मिक ग्रंथों को एक बार देखो, अगर आपको नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वेडनेसडे की स्ट्रीम में आप फिर से आओ, हम आपको रेफरेंसेस देते हैं कि आप देख के बताओ कि हिंदू धर्म या जो भी आप धर्म का नाम है आपके, सनातन एंड सो कॉल्ड जो भी है, देखिए हाँ उसमें जातिवाद है कि नहीं, वो रेफरेंस हम आपको दिखाएंगे, ठीक है? ईमानदारी से उस समय ये तय कीजिए कि ये हो कहां से रहा है ना।
देखिए, जड़ मेरा कहाँ इसमें पे है? मानना ये है कि जो भी चीजें धर्म में बुराइयां हैं या फिर जो समाज और मानवता के खिलाफ है, ठीक है, मैं उसको पूरी तरह डिनाई करता हूँ, एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर उससे तो फिर कुछ अच्छी बचेगा चीजें नहीं ना मिलेगी, कुछ, उससे कुछ कैसे मिलेगी? जैसे कि अगर मैं अब अहिंसा एक परमो धर्म गिलास है, आपको हाँ, दूध दूं और एक बूंद उसमें पेशाब डाल दूं, तो पियोगे आप? नहीं जो पियोगे ना चीजें देखिए, आप किसी भी चीज का पूर्णतः ना तो आप खंडन आप? कर सकते हैं ना बिल्कुल, समर्थन कर मैं सकते इसीलिए हैं। तो मैं कह रहा हूं ना कि एक काम करते हैं ना, वेडनेसडे को आप फिर से आइए, वेडनेसडे को नहीं आप नहीं और अब मैं, मैं नहीं आ हम पाऊंगा क्योंकि अब मैं 3 घंटा वेट करके, चलिए मैं बस लास्ट के लिए करना चाहता था। मैं इतना बता दूं चलिए कि ठीक है फिर, थैंक मैं यू। धर्म में उपस्थित बुराइयों के खिलाफ हूँ, बुराइयां धर्म के आप, नहीं। हाँ आप धर्म में उपस्थित बुराइयों को दूर करने की कोशिश कीजिए, आप यही कीजिए, ठीक है? थैंक यू, हम अपना देख लेंगे। ठीक है।